मेरी जिंदगी संभाली, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के उठा तो कौन सेगा। मेरी जिंदगी संभाली, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा दरियानी को मैंने तो खुदा माना। हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी की भी पिक्चर से ऐसी फ्रेंड के लिए व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ, इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइंड मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइंड मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग इस स्क्वायर वाली रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजिशन एंड इन पोजिशन को ऐड कर लेते हैं। तो स्टार्ट पोजिशन को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे एंड एंड पोजिशन को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो साड़े में हम लोग ऐड कर लेंगे। इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड आपको क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें हम लोग क्रॉस फेड वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो साड़े में हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग इस वाली रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको जो बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ एंड इसके बाद इसमें भी हम लोग स्टार्ट पोजिशन को ऐड कर लेते हैं एंड इसको हम लोग इक्वल रख लेंगे एंड इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं एंड इसकी वाइग्नेट को हम लोग ऑन कर लेंगे। इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके आपको इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें हम लोग ब्लर वाली इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको हम लोग 4 रख लेते हैं एंड इसको फुल वीडियो तक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको आपको स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो पिक्चर को बैकग्राउंड में ऐड किया है उसको हम लोग फिर से ऐड कर लेते हैं एंड इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे। तो मास्क को एनेबल कर लेते हैं एंड इसमें हार्ट वाली शेप को ऐड कर लेंगे एंड इस प्रोजेक्ट वाले लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस पिक्चर को इस हार्ट में रख लेंगे एंड इसको फुल वीडियो तक कर लेते हैं एंड यहाँ से बैकग्राउंड को राइट साइड में ट्रिम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे एंड फिर से इस प्रोजेक्ट वाले लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस वीडियो को हम लोग इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड इसके बाद फिर से आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है एंड मास्क को हम लोग एनेबल कर लेते हैं एंड इसमें इस वाले शेप को ऐड कर लेंगे एंड इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसमें हम लोग
इस वाले फ़ोन स्टाइल को रख लेंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसको भी फुल वीडियो तक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स, बेटा सुन तुमसे।